फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 14। सो ये एक पैराबोलिक फंक्शन है जिसका वर्टेक्स जो होगा वो माइनस डी बाई फोर ए होगा। सो माइनस डी बाई फोर ए अगर हम निकालते हैं वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट किस पॉइंट पे, बी बाई टू ए पे होता है, तो माइनस डी बाई फोर ए अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आफ्टर कैलकुलेशन, विच इज ये देखो माइनस बी स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 ए सी 4 इंटू 14 बाई 4 इंटू 1। सो ये 5, तो ये y जो होगा वो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। सो रेंज ऑफ एफ एक्स इज 5 टू इन्फिनिटी। सेकेंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3 साइन एक्स। तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। सो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब साइन एक्स माइनस 1 होगा, दैट इज 8 प्लस 3 11। और एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब साइन एक्स 1 होगा, सो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। सो एफ एक्स का रेंज कहां से कहां के बीच होगा, 5 से लेकर 11 के बीच। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज कॉस 4 कॉस टू पावर 4 एक्स बाई 2 माइनस साइन टू द पावर 4 एक्स बाई 2। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए। सो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया 1। और ये कितना दे देगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स कहां से कहां के बीच होता है, माइनस 1 से 1 के बीच। नेक्स्ट इज 4 टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो यहां लिख लो कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और कॉस एक्स अगर 0 नहीं होगा तो साइन एक्स प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर साइन एक्स प्लस माइनस 1 होता है वहां कॉस एक्स 0 होता है। क्लियर है? तो ये हमको दिया आफ्टर कैंसलिंग 4 साइन एक्स। साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। और साइन एक्स कहां से कहां के बीच लाई करता है, माइनस 1 से 1 के बीच। प्लस 1 और माइनस 1 पे इक्वलिटी नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि साइन एक्स जो होना चाहिए वो प्लस 1 और माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स माइनस 1 से 1 के बीच होगा। सो 4 साइन एक्स कहां से कहां के बीच होगा, 4 से दोनों तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 4 से लेकर 4 के बीच। नेक्स्ट इज साइन एल एन एक्स। एल एन एक्स का आउटपुट क्या होता है, डोमेन होता है इसका x ग्रेटर देन 0 अगर हो, वो तो होना ही चाहिए, तभी ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, डिफाइंड होगा। तो एज x ग्रेटर देन 0 एल एन एक्स कहां से कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो साइन एक्स में अगर इनपुट रियल नंबर होगा साइन की जगह, साइन में जो एक्स का रोल प्ले करेगा अगर वो रियल नंबर का इनपुट होगा, तो आउटपुट कहां से कहां के बीच मिलेगा, माइनस 1 से लेकर 1 के बीच। क्लियर है? सिमिलरली यहां देखो ये हुआ कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कहां से कहां के बीच का वैल्यू देगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी। और कॉस में अगर 0 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट कहां से कहां के बीच आएगा, माइनस 1 से 1 के बीच। सिमिलरली अंडर रूट कॉस एक्स। सो कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कहां तक जाएगा मैक्सिमम, 1 तक। सो आंसर इज 0 टू 1। नाउ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 5। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां इस तरह का क्वेश्चन रहे तो स्क्वायर को हटाओ, क्योंकि यहां देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म है। अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म है तो इसको हम साइन 2x में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सो 2 साइन 2x, दिख रहा है यहां से यहां। इसको भी हम कॉस 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x। सो ये वाला लिख लिया 1 माइनस कॉस 2x, ये वाला हो गया 2 साइन 2x प्लस 5। सो 5 प्लस 1 6 माइनस कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x। और कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x ये किस तरह का फॉर्म है, ए कॉस x प्लस बी साइन x टाइप का। तो इसका वैल्यू कहां से कहां के बीच लाई करता है, ये फॉर्म है ए कॉस x प्लस बी साइन x। तो इसका रेंज क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज माइनस 5 से 5। सो आंसर क्या हो जाएगा, 6 माइनस रूट 5 टू 6 प्लस रूट 5, सो माइनस रूट 5 से रूट 5 यहां है। क्लियर है? नेक्स्ट इज
साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस एट, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू साइन एक्स, दिख रहा है ना। तो इसको हम इतना को हम लिखें इसमें साइन एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, जो कि एक्सपेंड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स और प्लस एक फोर आएगा, तो यहाँ माइनस फोर कर दें, सो इट इज एट माइनस फोर, सो साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर। ये मिनिमम वैल्यू क्या देगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वन तब ये मिनिमम देगा, और इसका मैक्सिमम, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा माइनस वन तब ये मैक्सिमम देगा। सो एक्स साइन एक्स की जगह वन डालो तुमको मिला फाइव, साइन एक्स की जगह माइनस वन डालो तुमको मिला थर्टीन, सो रेंज इज फाइव टू थर्टीन, क्लियर है। नेक्स्ट इज लॉग, बेस है फाइव बाई फोर, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है इसमें इनसाइड आउट जाइएगा, पहले इसका रेंज निकालिए, तो ये कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी, सो माइनस डी बाई फोर ए अगर आप निकालते हैं तो फोर बाई फाइव, सो ये जो फंक्शन है ये जाएगा फोर बाई फाइव टू इन्फिनिटी। अभी बेस देखो, तीनों तरफ हम लॉग लेने वाले हैं तो इनइक्वालिटी पलटेगा कि नहीं पलटेगा ये डिपेंड करेगा बेस पे। यहाँ हम बेस देख रहे हैं ग्रेटर देन वन है ना, फाइव बाई फोर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, तो लॉग फाइव बाई फोर बेस रख करके तीनों तरफ लॉग ले लिए, तो लॉग फाइव बाई फोर बेस और ये, और यहाँ लॉग फाइव बाई फोर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही दे देगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस वन, सो एफ एक्स माइनस वन से इन्फिनिटी के बीच होगा। अब देखो अब करते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि बेस को हम फाइव बाई ए से वन से छोटा कर देते हैं, यानी बेस को वन से छोटा किए, तो बेस को जैसे ही वन से छोटा करेंगे तो ये है फोर बाई फाइव से इन्फिनिटी, जैसे ही ये बेस लगाओगे और लॉग लोगे इनइक्वालिटी पलट जाएगा, क्लियर है ऐसा। तो लॉग जब ये इन्फिनिटी होगा ये, तो तुमको लॉग का ये इन्फिनिटी होगा तो तुमको लॉग का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस इन्फिनिटी, और ये जब फोर बाई फाइव होगा एक्स ये जो एंट्री है तो ये क्या वैल्यू देगा वन। सो जो तुम्हारा इसका आउटपुट आएगा वो आएगा जब एक्स रह रहा है फोर बाई फाइव से इन्फिनिटी, दिख रहा है ना फोर बाई फाइव से इन्फिनिटी, तो वाई कहाँ रह रहा है, वाई रह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन के बीच, दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच एक्स अगर फोर बाई फाइव से इन्फिनिटी रह रहा है तो, सो रेंज इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू वन, क्लियर है। नेक्स्ट इज अगर एफ एक्स कॉस साइन एक्स है तो रेंज क्या होगा, साइन एक्स कहां से कहां के बीच होगा माइनस वन से वन के बीच, क्लियर है। जरा कॉस एक्स का ग्राफ बना लीजिए, ये हुआ कॉस एक्स का ग्राफ माइनस फाइव, ये फाइव बाई टू पर जीरो, माइनस फाइव बाई टू पर भी जीरो, माइनस वन यहां वन यहां, तो माइनस वन और वन पर अगर एक्स यहां के बीच रहे जो इनपुट है तो ये y यहां से यहां के बीच रहेगा, दिख रहा है ये कौन सा वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है cos 1, सो इट इज cos 1 टू 1, क्लियर है। यहां 2 कर दिए 2 sin x, तो 2 कहां है बाबू, 2 है यहां माइनस टू यहां और 2 यहां, क्योंकि 2 sin x कहां से कहां के बीच रहेगा माइनस टू से 2 के बीच, तो माइनस टू यहां 2 यहां, यहां पर cos का कर्व है तो ये क्या मिल जाएगा हमको cos 2, क्लियर है। तो x अगर यहां से यहां के बीच रहे cos के लिए, cos के लिए ध्यान देना यहां एंट्री cos में जा रहा है, तो y कहां से कहां के बीच रहेगा यहां से लेकर यहां के बीच, यानी cos 2 से लेकर 1 के बीच, क्लियर है। सिमिलरली अगर हम sin 3x कर दें, 3 साइन एक्स कर दें, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच होगा, जो कॉस में अब एंट्री आएगा वो माइनस तीन से तीन के बीच, माइनस तीन तुम्हारा यहाँ है, दिख रहा है, सो ये तुमको दे देगा ये पॉइंट कॉस थ्री, क्लियर। सो तुमको आउटपुट कहाँ से कहाँ के बीच मिलेगा, इस रेंज में, दिख रहा है, सो कॉस थ्री से वन के बीच रेंज। लेकिन अगर हम इसको फोर साइन एक्स कर दें तो माइनस फोर से फोर, ये देखें जरा, तो माइनस फोर यहां फोर यहां, अब आपका एक्स है यहां से पूरा यहां तक, दिख रहा है,
और ये है आपका इस जगह ग्राफ, दिख रहा है ये पूरा ऐसे माइनस फोर से लेकर फोर के बीच आपका ग्राफ ये है। तो अभी आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, अभी हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा माइनस वन इस पॉइंट पर, दिख रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू इज वन। सो रेंज क्या होगा, माइनस वन से वन, क्लियर। इस पर एक क्वेश्चन सेट किया जा सकता है, अगर कहे कि फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रेंज ऑफ कॉस के माइनस वन साइन एक्स इज माइनस वन टू वन। तो देखो इस तरह का है, सो माइनस वन से वन रेंज कम मिलेगा, कम से कम ये जो k माइनस वन जो हो वो चार के बराबर हो, यही लिस्ट पॉजिटिव मांगा, तो k इक्वल टू फाइव, क्लियर है। नेक्स्ट इज कॉट स्क्वायर में x माइनस फाइव बाई फोर का रेंज क्या होगा, कॉट स्क्वायर। तो कॉट का ग्राफ याद है आप लोगों को, कॉट पॉजिटिव है, ठीक है, कॉट का जो ग्राफ होता है, अभी हम शिफ्टिंग विफ्टिंग की बात ना करें, कुछ ऐसा होता है, होता है ये वाला वैल्यू पाई, ये जीरो, स्क्वायर करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हमेशा जीरो से कहां देगा, इन्फिनिटी, क्लियर है। दिस, अब देखो इस तरह का फंक्शन का अगर हमको रेंज निकालना है, जहां y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, तो कन्वर्ट करो x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो इसको y मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5xy प्लस 2y बराबर 2x माइनस 7, इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर ले आए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2y प्लस 7, इधर हो जाएगा 2 माइनस 5yx, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y, क्लियर है। तो अब रेंज यहां से कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप होगा कन्वर्ट x एज अ फंक्शन ऑफ y, और रेंज के लिए सेकेंड स्टेप, माइंड इट, ध्यान देना, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल, y का वो रियल वैल्यू जिस पर x रियल हो, तो क्या होना चाहिए, y केवल 2 बाई 5 नहीं होना चाहिए, सो ऑल रियल वैल्यू माइनस 2 बाई 5, यानी इसका डोमेन निकालना बोल रहा है ना, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर x को अगर हम t मान लें तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, सो ये t, ये 1 बाई टी, टी ये 1 बाई टी, देखो फिर से कन्वर्ट t एज अ फंक्शन ऑफ y, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो y t स्क्वायर प्लस y बराबर t स्क्वायर माइनस 1, सो इसको उधर लेके चले गए और इसको इधर ले आए, तो यहां आ गया y प्लस 1, यहां 1 माइनस वाई टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई 1 माइनस वाई, और टी स्क्वायर क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो वाई प्लस 1 माइनस डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, और नंबर लाइन से क्या देता है, माइनस 1 से 1 के बीच, क्लियर है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करो, x माइनस 4 x माइनस 1 इसको फैक्टराइज करो, x प्लस 3 x माइनस 1, अगर x 1 के बराबर नहीं है इसको काट दें। अब ये बचा कन्वर्ट x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, वाई एक्स प्लस 3y बराबर x माइनस 4, सिंप्लीफाई करके x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखें तो मिला 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y, और अब निकालना है रियल वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल, है ना, x रियल हो तो कब होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो एक 1 हटा रियल नंबर में से, और दूसरा
एक्स वन नहीं होना चाहिए था, तो इसमें डालो तो एक्स वन, यहाँ एक्स की जगह वन, तो एक्स की जगह वन डाल दिए तो आया माइनस थ्री बाई फोर। सो रियल नंबर में से दो नंबर हट जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर और वन। क्लियर है? नेक्स्ट, जी एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बॉक्स एक्स माइनस पाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। देखो तो ये जो बॉक्स के अंदर का टर्म है, जो बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमेशा इंटीजर होगा। सो इट इज पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है वो, तो पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का टेन जीरो, सो रेंज इज जीरो। नेक्स्ट, थ्री साइन पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। चलो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाए, तो मिनिमम कब मिलेगा? जब एक्स हो जाए पाई बाई फोर, एक्स पाई बाई फोर हो जाएगा तो ये जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो। और मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये जीरो हो जाए, सो ये आ गया साइन पाई बाई फोर, सो थ्री बाई रूट टू, सो जीरो से थ्री बाई रूट टू। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू वन बाई एल एन एक्स। रेंज रेंज क्या होगा? एल एन एक्स जीरो ना हो। एल एन एक्स कब जीरो होता है? जब x वन होता है। क्लियर है? तो एल एन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x वन नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया? रियल प्लस माइनस वन, क्योंकि डोमेन ये होगा ना, x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और x वन के बराबर यहां नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं रेंज पर। तो x अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ln x का बिहेवियर कैसा होता है? ln का बिहेवियर देखो, x अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, नॉट इक्वल टू वन हुआ, तो ये ऐसा होता है। तो वन बाई एल एन एक्स में क्या हो जाएगा? जीरो छोड़कर बाकी सब, ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कभी जीरो नहीं देगा किसी भी रियल वैल्यू के लिए। क्यों? एल एन एक्स जब इन्फिनिटी होगा तभी जीरो देगा, दिख रहा है ना? और इन्फिनिटी रियल होता नहीं है। इन्फिनिटी कब होगा? एक्स जब इन्फिनिटी होगा तभी एल एन एक्स इन्फिनिटी होगा, इसलिए जीरो को हटा दिया। नेक्स्ट इज साइन लॉग फोर एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये फोर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड बी लेस देन जीरो। एक्स कहां से कहां के बीच आया? माइनस दो से दो के बीच। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस टू 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 वन, हटा के वन डिनोमिनेटर में है। क्लियर है? और ये जो वैल्यू आएगा, ये आउटपुट देगा रियल नंबर। तो साइन में रियल नंबर अगर दें तो ये माइनस वन से वन, यही रेंज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल टू वन बाई साइन फोर एक्स प्लस कॉस पावर फोर एक्स। तो इसको एक्सप्रेस कर लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रेंज निकालने के लिए, तो पावर्स को धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए। तो पावर्स को रिड्यूस करने का फॉर्मूला हमारे पास है, इसको हम लिख लिए ए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो ये एक्सप्रेस होगा वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स बाई टू में। ये साइन स्क्वायर टू एक्स बाई टू वन नहीं होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर टू एक्स टू नहीं होना चाहिए, तो ये कभी टू होगा भी नहीं। सो डोमेन इज रियल नंबर। नाउ रेंज, ये जीरो जब होगा साइन टू एक्स तो ये आउटपुट वन मिलेगा, ठीक है? और ये जब वन होगा तो आउटपुट टू मिलेगा। सो मिनिमम वैल्यू इज वन एंड मैक्सिमम वैल्यू इज टू, सो रेंज इज फ्रॉम वन टू टू। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस,
इन दो सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, रेंज में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग रेंज का क्वेश्चन बनाते रहिए, जहाँ डाउट्स हो उसको व्हाट्सएप पे भेजिएगा, उसको सॉल्व करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू।